भी निकाल कर दिखा। ये हमारा 4 mm का वायर है, ये भी बहुत, ये दिखाता हूँ आपको, 25 mm का वायर है, ये आर्मंड है, इसके अंदर लगभग 8-8 mm की, मैं निकाल कर दिखाता हूँ दोबारा से। ये देख सकते हैं आप, ये PVC ऊपर का कट चुका है। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त इमरान सैफी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वायर स्क्रैप इंडस्ट्री। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वायर स्क्रैप इंडस्ट्री में। तो मैं आज आपके लिए B10 मॉडल लेकर आया हूँ। 1 mm से लेकर 40 mm तक का मेरा मॉडल ये काम करता है। इसमें मैं सारा वायर निकाल कर दिखाऊंगा। ये 25 mm का आर्मंड वायर है, ये निकाल कर दिखाऊंगा। 20-20 mm के दो एल्युमिनियम के वायर है, ये 8 mm का वायर है, और ये हमारा 1 mm का वायर है, ये भी 1 mm का वायर है, और ये हमारा 4 mm का वायर है। इन सारे वायरों को मैं निकाल कर दिखाऊंगा इसमें। और ये हमारा मशीन आंध्र प्रदेश गोदावरी जा रहा है, गोदावरी आंध्र प्रदेश जा रहा है हमारा ये मशीन। तो इस पे ट्रायल करके दिखाऊंगा मैं आपको, और इसका पैकिंग वगैरह भी दिखाऊंगा किस तरीके से करता हूँ। तो दिखाते हैं आपको 1 mm का वायर। मशीन स्टार्ट करती है हमने, हमारी मशीन वायर के ऊपर बहुत अच्छा तरीके से कट मार देती है, ताकि हमारा कॉपर बहुत आसानी से मशीन PVC के अंदर से निकल सके। अभी कट हल्का सा ज्यादा लग गया है, तो मैं इसकी भी एडजस्टिंग दिखाऊंगा आपको किस तरीके से एडजस्टिंग करनी होती है। ये हल्का सा माल कट गया है, तो इसको भी दिखाऊंगा मैं कैसे करना होगा। अब हमें क्या करना होगा, हल्का सा हैंडल दोनों तरफ से लूज कर देना होगा। अब हमने ये लूज कर दिया है, तो इस बार माल हमारा नहीं कटेगा। जीरो मेंटेनेंस हमारी मशीनें होती है, कैश ऑन डिलीवरी ऑल इंडिया हमारी मशीनें मिलेगी। किसी भी बाइकों वाली मशीन की जरूरत हो तो हमसे संपर्क कर सकता है। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आप देख सकते हैं पहले हल्का सा माल कट गया था, अब माल कटा नहीं है। ये भी 1 mm का तार था हमारा जो निकल चुका है। अब दिखाता हूँ आपको ये 4 mm का वायर, ये भी निकाल कर दिखाता हूँ। ये हमारा 4 mm का वायर है, ये भी बहुत आसानी से कॉपर और PVC दोनों अलग हो चुके हैं। अब दिखाता हूँ अपना ये 8 mm का वायर, ये भी एल्युमिनियम का है, मल्टी है, इसको भी निकाल कर दिखाऊंगा किस तरीके से निकलेगा। इसके लिए टोर्क हल्की सी लूज कर देंगे। कट आया नहीं है, इस पे और खल किसी और दे देते हैं। अब कट लग चुका है इस पे, आप देख सकते हैं 8 mm का वायर एकदम सफलतापूर्वक निकल चुका है। अगर PVC हमारा नहीं कटता है तो हैंडल इस तरीके से टाइट करने होते हैं, इधर को ऐसे टाइट करने होते हैं, और PVC ज्यादा कट जाता है, कॉपर अंदर से कटने लगता है, एल्युमिनियम कटने लगता है, तो हल्का सा इसे लूज करना होता है। तो इस चीज का भी खासकर ध्यान रखें। अब आपको दिखाता हूँ ये 20 mm का वायर, ये इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कोर खोल देनी होगी, एक तरफ से खोलना होगा। जो माल हमारा बड़ा चलता है तो इधर का हैंडल हमें लूज करना होता है। ये मशीन चालू करते हैं, तो ये निकाल कर दिखाता हूँ आपको। ये वाला माल जो होता है हमारा डबल कट का होता है, लेकिन डबल कट की मशीनें थोड़ी महंगी होती हैं। किसी भी भाई को इस तरीके का माल निकालना हो तो सिंगल कट पर भी निकाल सकता है। ये कॉपर, सॉरी एल्युमिनियम और PVC दोनों अलग हो चुके हैं। एक माल और था, इसको भी निकाल कर दिखाता हूं मैं किस तरीके से निकलता है। हमारी मशीन आर्मर्ड नॉन आर्मर्ड दोनों वायरों पे काम करती है। एक 20 mm का वायर और है, इसको भी देख सकते हैं आप, आसानी से सफलतापूर्वक हमारी मशीन ने निकाल दिया है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब ये दिखाता हूँ आपको, 25 mm का वायर है, ये आर्मंड है, इसके अंदर लगभग 8-8 mm की या 7-8 mm की 4 डंडियां निकलेंगी इसके अंदर, ये दिखा सकता हूँ आपको। तो निकाल कर दिखाता हूँ दोबारा से। अब ये देख सकते हैं आप, ये PVC ऊपर का कट चुका है, ये PVC अलग हो चुका है। अब ये आर्मंड की तिल्लियां इसमें नजर आ रही होंगी आपको, ये आर्मंड की तिल्लियां ये भी अलग हो चुकी हैं। अब हमारा अंदर से एक 4 कोर का वायर निकला है, इसको भी निकालते हैं। अब ये देख सकते हैं 4 वायर निकले हैं इसके अंदर, ये PVC अलग हो चुका है। अब इन वायरों को भी निकाल कर दिखाऊंगा कैसे निकले। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
इस तरीके से मशीन हमारी पीवीसी को काट देती है और कॉपर या एल्यूमिनियम जो भी है पीवीसी से आसानी से अलग हो जाता है। किसी भी भाई को हमारी मशीन की जरूरत हो तो कैश ऑन डिलीवरी ऑल इंडिया हमारी मशीनें मिलेंगी। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं दिखाता हूं आपको पैकिंग मशीन का किस तरीके से हम पैक करते हैं और एक्सेसरीज के साथ में दिखाऊंगा आपको हम क्या क्या देने वाले हैं। ये हमारी एक्सेसरीज है, एक वायर कटर है, साथ में दो रिंच होते हैं, ये साथ में एक एलन की होती है, एक हमारा ये ऑयल का बोतल होता है। ये सारा एक्सेसरीज हम मशीन के साथ देते हैं, टूल होते हैं मशीन के, मशीन को मेंटेन करने के लिए। अब ये साथ में रख देते हैं बेटा बिल इनका, और मशीन का बिल है हमारा जो साथ में जाएगा। इसके अंदर वारंटी कार्ड भी होता है मोटर का, वो भी है साथ में। ये हमारी कंपनी का एड्रेस आपको नजर आ रहा होगा बिल के ऊपर, ये भी हम साथ में रख देते हैं। और अब इसकी पैकिंग दिखाएंगे मशीन की, हम किस तरीके से पैक करने वाले हैं मशीन को। ये हमारा टूल किट है, अब इसको लगा देता हूं मैं यहाँ पे। हम लगा के पॉलीथीन से पैक कर देंगे इसको। ये बबल्स रैपिंग होती है, हम इस बबल्स रैपिंग को भी लगाते हैं ताकि हमारी मशीन पे स्क्रैच वगैरह ना आए। ये हमारा मशीन एकदम पैक हो चुका है, अब इसको हम लकड़ी के बॉक्स के अंदर रखने वाले हैं। तरीके का सॉलिड वुडन बॉक्स होता है हमारा मशीन का। ये मशीन हम बॉक्स के अंदर रख चुके हैं और इस तरीके से अब हमारा मशीन ये एकदम कोरियर कंपनी जाने के लिए एकदम रेडी है। इस पे आपको एड्रेस भी नजर आ रहा होगा हमारा, ये गोदावरी आंध्र प्रदेश से है। इनका मशीन एकदम रेडी हो चुका है, जाने के लिए एकदम रेडी है। और किसी भी भाई को हमारी मशीन की जरूरत हो तो हमसे संपर्क कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों।